ओहो ए थगेश इधर आ इधर इधर आ क्या चल रहा है इस महेश केश वाला AKA थगेश। आई नो 15-20 साल तो हो गए ये वीडियो इतना लेट हो गया है लेकिन क्या करूं लफड़ा सेंट्रल चल रहा था थगेश शो चल रहा था थोड़ा हो जाता है डिले बट फाइनली वेलकम टू माय सेटअप टू। सबसे पहले आपको क्या दिखाऊं ये बड़ा सा मैंने यहाँ पर टीवी लगाया है। मेरे को बहुत शौक है मूवी सीरीज देखने का गेम्स खेलने का फीफा खेलने का शौक है लेकिन अब टाइम नहीं है। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। पहले जब टाइम था तब पैसा नहीं था जब पैसा आया तो प्ले स्टेशन लिया सेटअप बनाया लेकिन अब टाइम नहीं है खेलने का धूल लग रहा है पड़े पड़े। यस ये टीवी है यहाँ पर कितना 75 इंचेस का कुछ टीवी है बेसिकली एंड इसपे गेम्स वगैरह खेलता हूँ मैं एंड ये PSVR है बेसिकली। इसमें कैसा होता है हम लोग अभी विजन प्रो पहनते हैं विजन प्रो में कैसा होता है आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते इसमें आप लिटरली इंटरेक्ट कर सकते हो गेम्स के साथ एंड बहुत ज्यादा मजा आता है। यहाँ पे देखो ड्रैगन बॉल जी का फैन तो मैं हूँ तो यहाँ पर गोकू है बहुत सारे यहाँ पर जुजुत्सु काइसन के छोटे से मिनिएचर्स है बहुत ही क्यूट मुझे अच्छा लगा ये। यहाँ पे इसके पीछे मिरर भी है तो रिफ्लेक्शन में बहुत कूल लग रहा है। ये ऊपर मेरी कुछ मॉडलिंग की ट्रॉफीज है शायद आपने देखी होगी पहले कोई सेटअप में बट पता नहीं दो अभी की ट्रॉफीज है यूट्यूब की ये बेसिकली पूरा वॉल ट्रॉफीज वगैरह का है। यस ये तो है बाकी अभी आपको दिखाता मेरी ये चेयर बेस्ट थिंग क्या लगता है पता है इसका थोड़ा स्लो है लेकिन होता है काम हो जाता है बैठने का टीवी पे कुछ करने का टीवी पे गेम लगाने का एंड मजा नहीं लाइफ एकदम ओए होए होए। देखो ऐसे करके मूवीज वगैरह देखने में मजा है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैंने जितनी बार ट्राई किया ऐसे मूवी देखने का ना मैं सो गया हूँ। ठीक है ये अच्छा है ये चेयर अच्छा है गेम्स वगैरह खेलना हो या रिलैक्स करना हो तो कूल चीज है प्रॉब्लम ये है कि बहुत स्लो आता है ऊपर इतने में तो कोई टपका के चले जाए मेरे को मैं चेयर ऊपर नीचे करता रह जाऊं बट कूल चीज है बैठने को मजा आता है रिलैक्स है। अभी आपको मैं मेन चीज दिखाता हूँ PC जिसपे पूरा काम होता है जिसपे पूरा एडिट विडिट होता है तो मैं आपको PC दिखाता हूँ एंड ये मेरा PC इसमें जो मेन काम आप तक पहुंचता है बहुत सारा एडिटिंग हो गया चाहे VFX हो गया मिनी व्लॉग हो गया व्लॉग्स हो गया बहुत कुछ सब इस पे एडिट होता है। गेमिंग करता हूँ मैं मोस्टली अभी क्या करूँ PS5 ले लिया लेकिन अंदर से तो हम PC गेमर ही है तो इसपे गेमिंग भी होता है मेन प्रोडक्ट जो जान होती है क्या होती है प्रोसेसर इसमें है इंटेल कोर i9-14900K जो कि चुमेश्वर एकदम फास्ट है एकदम तो जो भी मैं गेमिंग करता हूँ एडिटिंग करता हूँ रिकॉर्डिंग करता हूँ इसमें सब कुछ संभाल लेता है प्रोसेसर मैं फिर प्रोसेसर को संभाल के रखता हूँ क्या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है दोनों में। और मेन चीज होती है गेमिंग के लिए क्या ग्राफिक कार्ड इसमें है कलरफुल RTX 4080 अल्ट्रा ग्राफिक कार्ड ओए होए 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 मजा आ जाता है गेम में ऐसे ग्राफिक दिखते हैं टॉप टियर ग्राफिक कार्ड है एंड 3 ईयर वारंटी भी मिलता है तो मैं तो सॉर्टेड हूँ 3 साल के लिए। एंड मेन कंपोनेंट जो इसमें है जो इसको इतनी जान दे रहा है इतना सुंदर दिखा रहा है हमारा अपना कूलर मास्टर। लेकिन थगेश भाई कूलर मास्टर क्यों कूलर मास्टर 30 ईयर से ज्यादा है इस इंडस्ट्री में एंड ये हमेशा आपका गो टू है फॉर टॉप नॉच गेमिंग गियर चाहे वो ऐसे केसेस हो सुंदर इधर मैंने जेठालाल डल के रखा है देखो ये सब भी कर सकते हो बहुत कुछ है इसमें भाई मैं कैसे बताऊं ये कलर्स आप चेंज कर सकते हो चाहे PSUs हो CPU कूलर हो हाई परफॉर्मेंस गेमिंग पेरिफेरल्स मॉनिटर चेयर सब कूलर मास्टर सब करता है भाई जो भी चाहिए आपको सब मिलेगा आपका गेमिंग एक्सपीरियंस एलिवेट करने के लिए। और क्या है हम थोड़े क्लमजी आदमी है तो एक अच्छा है कि इसका 49+ सर्विस सेंटर्स भी है पूरे इंडिया में तो एक दिमाग को शांति रहता है कि आफ्टर सेल सपोर्ट तो है ऐसा नहीं कि भाई बेच दिया फिर गायब नहीं आफ्टर सेल सपोर्ट भी है तो मुझे बेसिकली ये सब अच्छा लगा इसके लिए मैंने लिया। यू टू कैन लेवल अप योर गेमिंग विद कूलर मास्टर आहा क्या बोला है मैंने बाकी रैम वगैरह इसमें 128GB रैम डाला है मैंने और 4TB SSD डाला है 4TB क्या डेटा बहुत होता है मेरे पास अभी लफड़ा सेंट्रल थगेश शो इसका उसका डेटा बहुत भर जाता है तो उसके लिए भी बंदोबस्त करके रखा है। एंड ये केस मतलब ऐसा नहीं लग रहा है वो ट्रांसफॉर्मर्स का कोई वो खड़ा है भाई अभी ट्रांसफॉर्म होके आदमी बन जाएगा। रोमियो 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 बेटा एकदम सॉलिड माल है। आहा अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरा प्ले बटन वाला वॉल तो
तो यस ये है मेरा प्ले बटन वाला वॉल। बहुत प्राउड फीलिंग आता है इसको देख के, पहले ऐसा था कि एक सिल्वर आ जाए तो मजा आ जाए, गोल्ड आ जाए तो मजा आ जाए, अब इतने सारे सिल्वर और गोल्ड है, अब ऐसा लग रहा है एक डायमंड आ जाए तो मजा आ जाए, लेकिन अभी पता नहीं कब आएगा डायमंड का सफर अभी बहुत दूर है। बट बहुत सारे प्ले बटन है, ये मेरा सबसे पहला प्ले बटन है ये वाला, मैंने बताया भी था शायद पुराने, इसमें देखो पता नहीं ऐसा लग रहा है किसी गोली मारी है क्या हो गया पता नहीं। थग लाइफ कंपाइलेशंस था तब मेरे चैनल का नाम, तो तब का है ये, उसके बाद तो सारे अभी चार चैनल है, चार चैनल के गोल्ड सिल्वर बहुत सारे है। ये थगेश नाम का लोगो है इसका, अगर मेरे को कलर वलर चेंज करना है तो मैं कर सकता हूँ, इसका जो भी पैटर्न देना मैं दे सकता हूँ, मैं करके दिखा देता हूँ, चलना भी चाहिए। बाकी मैंने ये वाले पैनल्स भी रखे है यहाँ पर, ये देखो ये ऊपर नीचे हो सकता है, ये ऐसे मेरे को जहाँ चाहिए मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, मेरे को इसको अगर निकालना है मैं निकाल सकता हूँ, चलूंगा भाई, डर लग रहा है। ये देखो ऐसे चालू में निकाल भी सकता हूँ मैं, ओके बिना डरे, ऑलराइट लगाने का प्रॉब्लम नहीं है। देखो फिर इसको कहीं भी मैं लगा सकता हूँ, मेरे को समझो अभी मेन चैनल का शूट है तो मैं ये फ्रेम रखता हूँ, मेरा मेनली ये फ्रेम होता है जब मेन चैनल का शूट होता है, तो एक लाइट यहाँ से आती है, यहाँ से नेचुरल लाइट आती है जो कि अभी नहीं है क्योंकि रात को शूट कर रहे हैं, जितना चाहिए मैं लगा सकता हूँ, इसको यहाँ पे डाल दिया, ये हो गई लाइट चालू, एंड बैकग्राउंड में भी ये अच्छा लगता है। और इसमें एक हिडन कैबिनेट बनाया मैंने, ढूंढ के बताओ कहाँ पे, घर से ढूंढो, गेस मारो, आपके पास 10 सेकंड है। मेरे पास नहीं, मेरा वॉच टाइम खराब है, तुम लोग गैस मार देना पॉज करके। हिडन कैबिनेट है ये वाला, आय 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 आय। एक मिनट, ये हिडन है तो मैं बता क्यों रहा हूँ, ये सब चोर लोग को इनवाइट देने वाला काम है जो मैं कर रहा हूँ ना, सब इसी डाका डाला ना सबको, सब मालूम रहेगा किधर क्या है, आना मत समझा, गलती से भी आना मत, क्या लिखा है मालूम है, आना मत कोई भी, लाइट स्टैंड डाल दूंगा ना सर पे, और मेहरबानी करके नाश्ता करके जाइएगा, सुभाष को मैं बोल देता हूँ कोई पैसा उधार मत दीजिएगा। मैं क्यों गुस्सा हो रहा हूँ, इमेजिन करके मैं गुस्सा हो रहा हूँ। ये देखो बट यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे मेरे शूट के ही मेनली इक्विपमेंट्स में रखता हूँ, ये देखो यहाँ पे सारे बॉक्सेस है, मेरा ड्रोन है, यहाँ पे गिम्बल है, यहाँ पे बाकी कैमरा के बॉक्सेस है, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये हार्ड डिस्क है मेरी, बिकॉज इतना सारा डेटा होता है तो स्टोर करने के लिए ये 8-8, 10-10 TB की होगी। थगेश शो की एक है, कपड़ा सेंट्रल की एक है, नॉर्मल पर्सनल एक होती है, बाकी इवेंट्स वगैरह जो भी मैं जाता हूँ उसके कवर करने के लिए ये छोटी हार्ड डिस्क है यहाँ पर, जो कि पोर्टेबल होती है, कहीं भी जाना हो मेरे को, ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं इसमें कंटेंट डालता हूँ, इसमें प्रोजेक्ट फाइल डालता हूँ एंड लेके चले जाता हूँ। ये कुछ माइक्स है जो मैं यूज करता हूँ, कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है भाई, ये देखो ये सब अलग अलग कंपनी, स्पॉन्सर्ड होता तो सब एक ही होता। माइक और पावर बैंक है जो कि मैं जब भी एयरपोर्ट पे आता हूँ मेरे को देख के बोलते भाई ये क्या लेके जा रहे हो, सर ये क्या लेके जा रहे, बम है, बम 40,000 mAh का बम है, देख रहे हो लड़ाई हो गया, खाली पावर बैंक लेके जाना, ये मार दो मर गया। मैं मारपीट का बात क्यों कर रहा हूँ, मार पिटाई का बात क्यों कर रहा हूँ इतना, बट ये ईंट है, ब्लू ईंट है, और ये मैग्नेटिक माइक है ये वाला जो मैंने अभी यहाँ पर पहना है, बाकी ये मेरा ये भी रोड का माइक है, रोड का माइक था तब मैं बहुत रील्स बनाता था, जब से मैग्नेटिक माइक आया मैं रील नहीं बना रहा हूँ, काफी पुराना है ये, जब मैं नया नया व्लॉगिंग करता था ना तब आई थिंक मैंने लिया था, ये कैमरा के ऊपर लगता है, शॉटगन माइक बोलते हैं इसको। फिर मार पिटाई की बात है, ये माइक अभी मैं यूज करता हूँ रोज वीडियोस वगैरह के लिए, ये भी बहुत अच्छा है कवरेज के लिए, कवरेज भाई आते तो यूज करते हैं इसको। बाकी यहाँ पर कैमरा इक्विपमेंट्स वगैरह और लेंसेज है, पुराना मेरा कैमरा है, मेरे को ना गैजेट्स का बहुत शौक है, मैं गैजेट्स पे भी बहुत खर्चा करता हूँ, मेरे को हमेशा चाहिए कि कुछ इंप्रूव करूँ, कंटेंट कैसे इंप्रूव करूँ, इसके लिए खर्चा हो जाता है कभी कभी थोड़ा, बट बेसिकली लेंसेज है बहुत सारे, एंड मेरा ये काफी पहले वाला एक कैमरा है, कौन सा, ये कैनन M50 है, M50 भाई ये इतना छोटा लग रहा है मेरे हाथ में, ये देखो कितना टिंगू सा लग रहा है, डिजिटल कैमरा आते थे ना वैसा लग रहा है, बट ये कैमरा से भी मैंने बहुत ज्यादा शूट किया है, पुराने जो रिएक्शन वीडियोज है, पुराने जो रोस्ट वीडियोज है, हाँ वो सारे मैंने ये कैमरा से शूट किए थे। इसके पहले भी मेरा एक कैमरा था आईवी शो, मैंने रखा होता लेकिन मेरे पास तभी पैसे नहीं थे तो वो बेच के मेरे को ये लेना पड़ा था, बट अभी मेरे को लग रहा है काश मैंने मेरा फर्स्ट कैमरा रखा होता, बट ठीक है हालात ऐसे थे तो आदमी क्या करे अभी, बट ये मैंने रखा है संभाल के। M50 है, आई डोंट नो अभी आता है कि नहीं आता है, M50 नहीं आता है, M50 का कोई और वेरिएंट आया वो आता है, बट ये भी कूल है, मैंने रखा है सेफ साइड, कभी कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई डाका डाल ले साला वीडियो देख के, मैं बनाऊं कि नहीं ये वीडियो, मैं बीटी में जा रहा हूँ जैसे जैसे वीडियो आगे जा रहा है। ये गोप्रो है, ये बहुत पुराना गोप्रो है, ये आई डोंट नो मेरा फ्रेंड लाया था दुबई से, ये Insta360 है, 360 कैमरा है, जो कि मेरे को खास नहीं लगा बेसिकली, मतलब 360 के लिए बहुत अच्छा है ये, लेकिन जब इसको रात में यूज करता हूँ ना भाई इतना भयानक गंदा क्वालिटी आता है, मतलब आदमी दिखे ही ना, कुछ नहीं दिखे, पूरा ब्लैक दिखता है। बट अगर आपको 360 लेना है जैसे घूमने वूमने जा रहे हो, एक ना मस्त चीज है कि इससे ना मोमेंट कैप्चर हो जाता है, मतलब समहाउ जब आप वो वीडियो खोलते हो ना तो आपको लगता है कि आप वापस उधर पहुंच गए आपको, क्योंकि जब आप ऐसे करो तो
आपको आसपास लोग क्या कर रहे थे उस मोमेंट में, उस मोमेंट में कौन सा बर्ड था बाजू में, उस मोमेंट में बारिश गिर रही थी, वो फील होती है। तो आई विश ये चीज विजन प्रो वगैरह में अगर मैं वही वीडियो देख पाऊँ, पता नहीं ऐसा है कि नहीं अपडेट, मेरे को बता देना, बट 360 की वीडियो अगर उसमें देख पाऊँ ना तो भाई कुछ करो भाई, बहुत मजा आ जाए। बाकी ओस्मो है, ये रिसेंटली मैंने लिया है एंड आई थिंक ये सबसे ज्यादा मैं यूज करता हूँ, बहुत स्टोरीज वगैरह के लिए बहुत सही चीज है। मैं यूज करता हूँ, व्लॉग्स मेरे को बनाने होते तो मैं यूज करता हूँ, कभी मेरी व्लॉग बनाना हो तो ऐसे बड़ा वाला व्लॉग बनाना हो तो ऐसे। बाकी कूल चीज है, इसमें मैग्नेटिक माइक लग जाता है। ये सारी कंपनी को ना मेरे को पैसा देना चाहिए। आई नो गाइस ये वीडियो थोड़ा सा डिटेल में जा सकता है बट मेरे को ऑनेस्टली यही बताना, और क्या बताऊं स्टूडियो टूर में तुमको, दीवारें बताओ, दीवारें तो 2 मिनट में खत्म हो जाएंगी है ना, 10 मिनट खींचना है ना वीडियो, तो बताना पड़ेगा सब तुम लोग को। ये मेरे कैमरा इक्विपमेंट है, नीचे है गजब सबसे महंगी चीज जो कि सबसे कम यूज की, किसी को चाहिए तो बोलो भाई बेच रहा हूं मैं, एप्पल का विजन प्रो। ओहो है क्या ये, टूटा बीटा तो नहीं? यस ये एप्पल का विजन प्रो है। आई डोंट नो लास्ट मैंने ये कब यूज किया था, ट्रेन में गया था उसके बाद मैंने ये यूज नहीं किया, तो मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है। प्रॉब्लम ये है जैसे मैंने बोला PS5 भी मैं खेल नहीं पा रहा हूँ, यही है गाइस। देखो अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आपके पास चीजें नहीं आएंगी, आपके पास पैसा रहेगा तो आपके पास चीजें आएंगी बट आपके पास टाइम नहीं रहेगा उसको एंजॉय करने का। तो बैलेंस कैसे मेंटेन करे मेरे को तो नहीं पता। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा, आपको पता है तो मेरे को बताओ। इधर ट्राइपॉड्स वगैरह है, कभी शूट हुआ कभी कुछ करना है तो। बाकी यहाँ पर बहुत सारे मैंने बैग्स वगैरह रखे जो कैमरा के, कभी ट्रैवल करना है तो ये बैग्स वगैरह लेके ट्रैवल करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे पर्दे हैं, जब मेरे को कुछ शूट करना है या फोटो शूट करना है या मेरे को खबरेश वाला खबरेश भाई को शूट करना है, खबरेश भाई अगर आते हैं तो उनके लिए भी पर्दा बिर्दा है। तो यार ये हिडन कैबिनेट है मेरा जो कि अब हिडन नहीं रहा। एक और बताता हूँ चीज बहुत मस्त है, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कुछ नहीं है लेकिन यहाँ पे देखो पूरा सामान भाई ने डंप करके रख दिया है। यहाँ जितने भी मेरे लाइट स्टैंड है ना मैंने सब यहाँ पर डाल दिए। क्यों बनाया तुम लोगों को बताता हूँ, ये मैंने क्यों बनाया, ये मैंने लाइट स्टैंड के लिए नहीं बनाया है। देखो ये आ गया हमारा ग्रीन पर्दा, ए हे हे। मैं ये ग्रीन पर्दे को ऐसे करके जहाँ चाहिए मैं पूरे रूम में लेके आ सकता हूँ। देखो ये ग्रीन स्क्रीन करना है मेरे को तो मैं ग्रीन में खड़ा रहूंगा। अभी मेरे को इधर किधर भी पहुंचने का है मैं पहुंच सकता है। अभी टाइगर को जंगल में पहुंचने का है तो टाइगर पहुंच गया जंगल में। टाइगर की असली जगह जंगल में ही। और अगर टाइगर को भी जाने का है एडिटर को अच्छी एक जगह पे 3-4 जगह पे मेरे को डाल देना बहुत अच्छी। देखो जैसे ये या तो ये इधर भी पहुंच सकते हैं। ओके मैजिक है ये मैजिक। बट यार ये वो पर्दा वर्दा काम आता है ये, फिर इसको नहीं जब काम हो तो इसको हम डाल देते हैं फिर से इसके अंदर, किसी को कानो कान से आईला खबर ही नहीं पड़े। इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ मेरा सेटअप। ओहो डार्क सेटअप ऐसा लगता है मेरे को, तो ये ऐसा ही अच्छा लगता है, मूडी थोड़ा लगता है सेटअप। देखो जैसे ये टीवी अगर देखना है मेरे को तो मैं मेरे एस्ट्रोनॉट को थोड़ा सा इसे कर देता हूँ, ये देखो स्टार्स वगैरह। रात को बैठ के अगर कुछ टीवी भी देखना हो या तो थोड़ा मूडी सेटअप लगता है। बाकी को मैंने ऐसा रखा है कि मैं इसका कलर कभी भी चेंज कर पाऊँ। ये देखो अभी इसको मैं ओहो ग्रीन फुल ग्रीन अब लग रहा है ना एकदम ग्रीन जंगल में टाइगर खड़ा है। फिर ब्लू करना है मैं जो भी करना है कर सकता हूँ। फिर एकदम मैं डिकचिक भी कर सकता हूँ। देखो ये जैसा करना है वैसा इसको बदल सकता है। मैं डिकचिक नहीं आ रहा इसमें, सेटअप टूर फेल। देखो अगर मेरे को कुछ करना है तो मैं डिकचिक अगर मेरे को डांस करना है अभी पाची वाला माहौल है तो हम कर सकते हैं। यही पाची है गाइस और कुछ। अब मेरे को डर लग रहा है मैलफंक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है। और ये मेरा सेटअप, ये हमारे भगवान, ये हमारे, मैं एक्चुअली दो सिस्टम यूज करता हूँ एंड इसमें देखो। बट वो बताने के पहले यहाँ पर बहुत सारी चीजें मैंने रखी है। मेरा क्रिएटर्स यूनाइटेड का अवार्ड है यहाँ पर, बट मैं एनिमे का फैन हूँ तो बहुत सारा मैंने वो भी रखा है यहाँ पर। लूफी रखा है मैंने यहाँ पर, डेथ नोट का रियुक रखा है मेरे को। डेथ नोट फर्स्ट एनिमे जो मैंने देखा था मेरे को बहुत सही लगा था। बाकी वेजिटा है यहाँ पर, बोर वेजिटा है एंड ये देखो भाई क्या कूल चीज है ये। मतलब इसका ना मैं मुंडी चेंज कर सकता हूँ, ये मुंडी है ना निकाल के डायरेक्ट उसमें लगा सकता हूँ, बहुत कूल लगता है ये। जब चाहिए तब मैं लगा सकता हूँ, मेरे को और कोई काम ही है लाइफ में, मुंडी चेंज करता रहता हूँ वेजिटा का। कुछ है मेरे को, पागल हूँ ना मैं, ये सब लेके रखा है। बट यहाँ पर बहुत सारी बुक्स भी है जो कि मैंने पढ़ी है एंड कुछ नहीं पढ़ी है क्योंकि टाइम नहीं मिला है। जैसे ये तीनों बुक्स मेरी फेवरेट है, शो योर वर्क, स्टील लाइफ एंड आर्टिस्ट कीप गोइंग, ये तीनों चुम्नेश्वरी बुक्स है। अगर आप क्रिएटिव स्पेस में है बहुत बढ़िया चीज है। ये देखो ये खजाना है, ये बहुत बड़ा खजाना है, आपको मैं बताऊंगा नहीं क्या है इसमें ना राज लिखे हुए। जूम क्या मार रहा है, बोल रहा हूँ राज लिखे हुए फिर भी जूम मार रहा है। बाकी तो ठीक है। बाकी हाउ टू फिनिश एवरीथिंग यू स्टार्ट, सेल्फ हेल्प बुक्स बहुत रखी है बिकॉज आई नीड मेंटल हेल्प, आई एम अ साइको, आई नीड मेंटल हेल्थ सपोर्ट। ये QR कोड है, इस पे आप लोग पैसा भेज सकते हो सपोर्ट के लिए। बाकी और यहाँ पर बुक्स है, द कॉमेडी बाइबल एंड ये बुक मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई थी, जावेद अख्तर की तर्कश, बहुत डीप है, बहुत जैसे कुछ इसमें बहुत ही अच्छी शायरिया है। लाखों हम में प्यार की बातें, ये लड़ाई हमेशा चलती है, उसके एक दोस्त से मैं जलता हूँ, मेरी एक दोस्त से वो जलती है।
पास आकर भी फासले क्यों हैं? राज क्या है समझ में ये आया, उसको भी याद है कोई अब तक, मैं भी तुमको भुला नहीं पाया। बीटी, ये पूरा वीडियो बीटी है। एक और सुना देता, अब मेरा मूड बन रहा है। जैसे ये वाला है, डायरेक्ट शायरी का माहौल बना दिया हमने यहाँ पे, देख रहे हो। ये तसल्ली है कि है नाखुश सब, मैं अकेला ही नहीं बर्बाद सब, सबकी खातिर है यहाँ सब अजनबी, और कहने को है घर आबाद सब, भूल के सब दुश्मनी सब एक है, मैं बताओ तो सबको होगा याद सब, कड़वाहटे कैसे ना हो अशहार में, हम पे जो गुजरी हमें है याद। आहा, अभी मैं इधर पूरा बुक पढ़ने लग जाऊंगा। ये आदमी लोग ये बुक को पकड़ के खड़े, अगर ये आदमी लोग नहीं होते मेरी लाइफ में तो आज मैं किधर नहीं पहुंचता। तो थैंक्स टू दीस पीपल जिन्होंने यार इतनी बुक्स रखी है। साला स्कूल में तो कभी कॉलेज में तो पढ़ाई स्कूल में तो की थी, कॉलेज में मैंने एक्चुअली पढ़ाई नहीं की, ये सब यूट्यूब सीएस के चक्कर में सब रह गए। बट एनीवेज, ये देखो फूल गिर गया, बप्पा ने आशीर्वाद दिया। गणपति बप्पा मेरे पहले सेटअप से हमेशा सेटअप में रहे, तो मेरे लिए गुड लक भी है, हमेशा आशीर्वाद रहता है। फर्स्ट सेटअप से हमेशा मेरे टेबल पे ही रहते। बाकी ये रिमोट का स्टैंड मेरे को बहुत कूल लगा, तो मैंने लिया। ये देखो ये शूट का क्लैप वाला जो होता है उसके जैसा है, इसमें सब ऐसे रिमोट रह जाते हैं, कूल चीज है काफी। बाकी ये मेरा अनफिल्टर्ड जब शूट करता हूं तब माइक है, जैसा मेरे को चाहिए मैं वैसा इसको सेटअप कर लेता हूं। मेरे को ना अभी लाइफ में ऐसा हो गया कि मेरे को चाहिए कि मैं एक बटन दबाऊं सब चालू हो जाए और मैं शूट में बैठ जाऊं, बिकॉज सेटअप करूं एक एक चीज वो बहुत मगजमारी हो। तो बेसिकली ये माइक है, ये छोटा सा हमारा टेबल है, स्पीकर है जो कि बहुत कूल है। ये देखो इसका दो लुक है, स्पीकर भी दोगला है, हर इंसान दोगला है। दोस्त मत, मेरे को नहीं चाहिए ब्रो दोस्त, मेरा कौन मतलब। ये स्पीकर भी देखो दोगला है, इसको अभी ऐसा करूँ ना, आ हा हा हा, अपना असली रूप दिखाता है ये, अभी बेटर लगता है ऐसा। लेकिन क्या है, हमारा मिडिल क्लास सोच है तो धूल लग जाएगा बोल के मैंने फिर ये रखा है, और लगता है धूल भाई, मुंबई मतलब धूल धूल धूल। अभी आपको लग रहा रहेगा तो ये ब्लैक बॉक्स में मैं क्यों खड़ा हूँ, ऐसा क्या है इधर, इधर एक और सीक्रेट दरवाजा है, बताओ। पहले से ऐसा था कि घर में खुद का अपना बाथटब होना चाहिए, मैंने डायरेक्ट स्टूडियो में बाथटब डाल दिया। हालांकि अगेन नहाने का टाइम नहीं है बाथटब में, पर तो मग्गे से फटफट नहा के निकल जाने का, बट बहुत कुछ है ये, मतलब एकदम मूड वूड डार्क मूड करके कैंडल जला के जब यहाँ पे ब्लूटूथ स्पीकर लगाता हूँ तब रिलैक्स तो होता है, मजा तो आता है भाई। ये भी थोड़ा सा डार्क ही रखा है पूरा मैंने वॉशरूम। बाकी ये देखो इधर बतख का आर्मी है, बतख का आर्मी है। बाकी ये जो ऊपर है पैनल, इसमें बहुत सारे टाइप के शावर है, इसमें एक मिस्ट शावर है, इसमें नॉर्मल सा शावर है, इसमें और क्या है, और क्या, और बाकी तो भाई और कुछ नहीं है इसमें, दो टाइप के शावर है यार, भूल गया। ठीक है और क्या है बाकी, तो बाथटब है ना इतना बड़ा, क्या करने का तुम लोग को, बाकी चीज आ जाओ साथ में नहाते। ऑफर है आपके पास, मिरर विरर है अगर खुद को देखना हो शक्ल, डार्क दिखता है इधर, क्या है मेनली ना बॉडी देखने के लिए बहुत कूल है, बॉडी देखने के लिए लाइटिंग परफेक्ट है इसमें, अगर आपका बॉडी 10 out of 2 रहेगा ना, 10 out of 4 तो दिख ही जाएगा, तो वैसा है, टॉप लाइटिंग बोलते हैं इसको। कैंडल, ये अरोमा वाला कोई तो कैंडल है, इसमें से सुगंध आ रहा है, ये सब लार्ड नहीं है कैंडल विंडल का। अब आया पूरा वैक्स का स्मेल, बट यार ये बाथटब वाला रूम था, यू नो एक चाहिए रिलैक्स करने के लिए जगह। हालांकि मैं बहुत कम जाता हूँ, महीने में शायद 2 बार, क्योंकि बाथटब में जाने को भाई टाइम चाहिए, आप बाथटब भरे, आप बाथटब में बैठो नहाओ, यू नो बाथटब में बैठ के वापस बाहर तो आ नहीं सकते है ना, तो टाइम चाहिए सब चीजों के लिए। ठीक है, डोंट नो 3 साल बाद यहाँ पे स्टूडियो एक्सटेंड कर दूंगा मैं, वेयर हाउस बना दूंगा, आई डोंट नो, लेकिन अभी के लिए है। बाकी यही था सेटअप टूर, छोटा सा सेटअप है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बिकॉज ऑनेस्टली मैं यहाँ पे काफी कम रहता हूँ, मैंने जब से सेटअप बनाया ये घर पे आया हूँ मैं सच्ची बताऊँ ना, मैंने पूरा घर भी एंजॉय नहीं किया है, अपने होम टूर वीडियो भी देखा होगा, अभी ये सेटअप टूर वीडियो मैं प्रॉपरली चीजें एंजॉय नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इतना भाग दौड़ है एंड इतना ज्यादा काम है, अच्छा है मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, काम रहे, बट वही चीज है कि यहाँ पे मैं उतना रहता नहीं, तो छोटा है, कॉम्पैक्ट है एंड थोड़ा कोजी सा स्पेस है, अगर आपको बैठना है फिर भी 1-2 घंटा अगर मैं बैठ रहा हूँ तो अच्छा फीलिंग आता है यहाँ पे। जैसे आपको पता है हम धीरे 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 सेटअप इंप्रूव करते हैं, पहले सेटअप से लेके आज के सेटअप में बहुत जमीन आसमान का फर्क दिखेगा आपको। अभी मैंने ये पूरा सेटअप भी ऐसे ही बनाया कि अभी पहले जैसे मैं एक दीवार पे बनाता था, अभी मेरे को ऐसा था कि हर एक दीवार एक सेटअप लगना चाहिए, हर एक वॉल एक सेटअप लगना चाहिए, समझो मैं प्ले बटन की वॉल पे बना रहा हूँ तो वो एक बैकग्राउंड लगे, अगर मैं सिर्फ ये वॉल पे बना रहा हूँ वो बैकग्राउंड लगे, सिर्फ इस पे बना रहा हूँ तो बैकग्राउंड लगे, तो मेरा मेनली यही गोल था, ज्यादा और तो कुछ नहीं था। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे, यही था शॉर्ट एंड स्वीट सेटअप टूर, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया हो। आई डोंट थिंक बहुत टाइम तक अभी कोई सेटअप टूर आने वाला है, मैंने 3 साल में 3-4 सेटअप टूर तो डाल ही दे रहे, आई डोंट नो, अभी मेरे को नहीं लगता वापस सेटअप टूर आने वाला है, बस अभी तुम्हारा भाई रिटायर हो रहा है, अभी तुम्हारा भाई थक गया, अब और कंस्ट्रक्शन में मैं नहीं घुस सकता, मैं और लकड़े को नहीं सूंघ सकता, मैं 2 साल से सिर्फ वही कर रहा हूँ, मैं एक के बाद एक सेट बना रहा हूँ, फिर घर बना। सो आई थिंक
आई एम रिटायरिंग राइट नाउ ओके। तो वीडियो पसंद लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब। एंड सबसे फेवरेट आपका कौन सा वॉल है सेटअप का, या क्या चीज है सेटअप की, बाथटब हो गया या मेरे साथ नहाना हो गया या विजन प्रो हो गया या जो भी चीज है, मेरे को नीचे कमेंट से बताओ। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।